लग्जरी कार से अवैध मांस की तस्करी। अवैध मांस के तस्करों ने अब पुराने तरीके छोड़ लग्जरी गाड़ियों से अवैध मांस की तस्करी ने हड़कंप मचा दिया है। थाना मैनाठहर क्षेत्र में आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना ने इन तस्करों की पोल खोलकर रख दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों से अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार ने हंटर चलाते हुए कड़ी कार्यवाही की, तो अब इस तस्करों ने मांस को दूसरी जगह भेजने के लिए नया ही ढंग अपना लिया है। और इसका खुलासा आज उस समय सामने आया जब थाना मैनाठहर क्षेत्र में फरीदपुर के पास एक दिल्ली नंबर की लग्जरी कार कंटेनर से टकरा गई। दरअसल घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। कंटेनर ड्राइवर अशोक यादव की माने तो उनके कंटेनर को उस समय पीछे से एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी जब वो फर्म के अंदर जा रहे थे। आधी गाड़ी गेट में थी। कार सवार लोगों ने उनके साथ मारपीट करने लगे तो आसपास के लोगों के पहुंचने पर पूरा मामला खुल गया, क्योंकि लग्जरी कार में मांस भरा हुआ था और वो लोग कार को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपने आप को घिरता देख कार सवार लोग मौके से भाग। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार को थाने ले गई और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन आज एक लग्जरी कार में मांस की तस्करी ने पुलिस के कान जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, मैं रात सुबह का टाइम 6-5 बजे के टाइम लगभग ICD मुरादाबाद से कंटेनर लोड कर चला। मैं अपनी साइड पर आ रहा था, ब्रास वर्ल्ड कंपनी है जिसके लिए मैं गाड़ी लोड करने के लिए आ रहा था। वहाँ पर आते के साथ ही जैसे ही मैं कंपनी में एंटर हुआ, आधी गाड़ी मेरी बाहर थी। एक अवैध मांस लेने वाली गाड़ी इतनी स्पीड हाई स्पीड से आई और उसने पीछे से आकर मेरी गाड़ी में उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सर, जब मैं पीछे गया तो जो उसमें मैंने देखा तो उसमें जो है मांस भरा हुआ था अवैध, और पूरी गाड़ी मांस से भरी हुई थी, जिसके कारण ये हाई स्पीड से आने के कारण ये जो है एक्सीडेंट हुआ। फिर वो लोग 8-10 लोग दूसरी कार वाले लेके और आए और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी चालू कर दी, कार को अपनी खींच के ले जाने लगे। पर मौके पे ही भीड़ एकत्रित हुई, गांव वाले आ गए, गांव वालों ने थोड़ा सा साथ दिया, वो गाड़ी जो लेके नहीं जाने दी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस आ गई और पुलिस गाड़ी को थाने लेके गई है। साहब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब, ये जो अवैध तस्करी वाले मास्क ये चल रही है आजकल, ये रोका जाए। आज तो मेरी गाड़ी थी सर, गाड़ी की जगह कोई और भी चीज़ होता या कोई आदमी होता, भीड़ होती, पब्लिक होती, पब्लिक प्लेस में अगर ये गाड़ी बेकाबू होकर इतनी जाती है तो सर ये तो लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो सर भाग गए, मैं अकेला था, वो कई सारे लोग थे साहब। ये मेरा नाम अशोक यादव सर। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, मैं रात सुबह का टाइम 6-5 बजे के टाइम लगभग ICD मुरादाबाद से कंटेनर लोड कर चला। मैं अपनी साइड पर आ रहा था, ब्रास वर्ल्ड कंपनी है जिसके लिए मैं गाड़ी लोड करने के लिए आ रहा था। वहाँ पर आते के साथ ही जैसे ही मैं कंपनी में एंटर हुआ, आधी गाड़ी मेरी बाहर थी। एक अवैध मांस लेने वाली गाड़ी इतनी स्पीड हाई स्पीड से आई और उसने पीछे से आकर मेरी गाड़ी में उसने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सर, जब मैं पीछे गया तो जो उसमें मैंने देखा तो उसमें जो है मांस भरा हुआ था अवैध, और पूरी गाड़ी मांस से भरी हुई थी, जिसके कारण ये हाई स्पीड से आने के कारण ये जो है एक्सीडेंट हुआ। फिर वो लोग 8-10 लोग दूसरी कार वाले लेके और आए और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी चालू कर दी, कार को अपनी खींच के ले जाने लगे। पर मौके पे ही भीड़ एकत्रित हुई, गांव वाले आ गए, गांव वालों ने थोड़ा सा साथ दिया, वो गाड़ी जो लेके नहीं जाने दी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस आ गई और पुलिस गाड़ी को थाने लेके गई है। साहब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं साहब, ये जो अवैध तस्करी वाले मास्क ये चल रही है आजकल, ये रोका जाए। आज तो मेरी गाड़ी थी सर, गाड़ी की जगह कोई और भी चीज़ होता या कोई आदमी होता, भीड़ होती, पब्लिक होती, पब्लिक प्लेस में अगर ये गाड़ी बेकाबू होकर इतनी जाती है तो सर ये तो लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। वो सर भाग गए, मैं अकेला था, वो कई सारे लोग थे साहब। ये मेरा नाम अशोक यादव सर।